को बोल ले तो और एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही इसका उल्टा ही काम है सर। अच्छा मत्था टेक इसको, मत्था मत्था टेक खच्चर कासरी खोल ले रहे थे। खच्चर नहीं है यार, आदमी है मैं। खच्चर है लड़का जी, खच्चर खुल गए ले जा। ये आ जा इसको खच्चर दे दे दो दो टू वन ला। ये ले पूरे खच्चर नहीं है मेरे यार। तो खच्चर और क्या शन 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 का हां मैं बड़ी गाने वाली है खाने वाली नहीं खाती भी है खच्चर है भी बात है। ओए नहीं 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 नाचने गाने वाले नाचने वाले और अच्छा और यहां तो बड़ा तमाशा था वो अच्छा था। अरे मैं तो भूल गया यार। हां नमस्कार लंबरदार जी नमस्कार। 4 साल हो गए मैंने तो छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? मैं नहीं करता। अरे बड़ा पैरी पौना शिकार नहीं करता मैं। पैरी पौना बोल रहा हूँ पैरी पौना। परे कहाँ से आना, परे तो आदमी बैठे हुए तो ऐसे आया थोड़ो हुआ। बोला जुआरू भी था, जुआरू भी था ना बेटा। वारू लड़का दिया घर ही वार ना मेरे फिट्टे वो तेरा सुनाई नहीं दे रहा तेरे को। राजी रहा बेटा जुआर था ना तेरे को सुनाई नहीं दे रहा। क्या बात है सौ वर्ष जीवाते ही अब सुनाई दिया जब फिटेम बोला। अब मेरे को स्थान से तीन बार बोल दिया नमस्कार जय जुआरू है तेरे को सुनाई नहीं दिया। इस कान से कता ही नहीं सुनाई देता। क्यों क्या बात हुई? अरे एक दिन लंबरदार ने मारा लफड़ और कान का पर्दा गिरा दी थे। लफड़ वो क्यों मारा भाई? बस ऐसे ही मैं घी खा रहा था ना घी। हाँ चोर चोर के ना ना अपनी आप। अच्छा तो मांगा क्यों नहीं करेगी? मांगा क्यों अपने घर में मांगते? तू करता ही ऐसा है कि गू चोरी नहीं खाना होता ना। मैं तो घी खाता भाई गू खाता होगा तू यो नहीं खाता। कैसा आदमी यार बोला बोला गू भी खा देता हूं। अरे घी बोला हूं मैं तो मांग नहीं घी मांग के करता मेरे यार भाई मैंने घी खाना है। देती नहीं तो मांग के हो क्यों नहीं देती? जब तेरे को चोरी की आदत चोरी से खाता तू ना चोरी से मैं क्यों और क्या और सुना नहीं इस कान से तो कताई भी सुनाई देता बेटा। कान फट गया बिल्कुल कताई कताई ना ना पड़ता ही गिर गया नीचे सुनाई नहीं देना बिल्कुल भी ना कुछ नहीं सुनाई देता। हाँ तो दूसरा कान तो ठीक है दूसरा तो ठीक है अभी इससे भी थोड़ा ही सुनाई देता है। अच्छा एक कान का तेने इलाज क्यों नहीं करवाया अभी? बेटा लाख बड़ा भारी कराम है तो चंडीगढ़ तक गया नीचे। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ 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 जीपीआई अस्पताल पीजीआई क्यों शिमला में नहीं इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बोले? शिमला में भी गया सारे में कहीं नहीं बड़ा काम। सब ने बोला बोलो भाई इसमें तो अब रामलीला का ही पर्दा लगा कान में। रामलीला का पर्दा वो क्या बात है? पता नहीं वो लंबरदार का पर्दा ज्यादा होता है। अच्छा बड़ा होता है। अच्छा अच्छा ना तो शिमला में क्यों नहीं करवाया? शिमला में गया बेटा मैं डिसोटन में गया। सुनोटन डिसोटन फिर रिपन में गया। अच्छा रिपन फिर उसके इसके बाद एक दिन ना मेरे को खड़का जी मिले रिज पे। इन्होंने बोला बोलो भाई लंबरदार एक काम कर। मैंने हाँ जी। बोलो जरा एक बार लेट रीडिंग में दिखाया बार बोलो लेट रीडिंग पूरे नए हॉस्पिटल को बताया आ रहा। मैंने सोचा ठीक डॉक्टर हो गए कोई मेरा बढ़िया इलाज होगा। अरे मैं पहुंचा वहाँ सारे डॉक्टर नर्स इकट्ठी हो गई। अच्छा मैंने सोचा हाँ अब मेरा इलाज ठीक होगा। एक डॉक्टर आया वो क्या बोले ना चलो चलो बोलो सीधे लेबर रूम में ही ले चलो। अच्छा और मैंने कहा तो पंगा फंस जाएगा कोई। मैंने तो बेटा बूट भी वहीं खोले पर नंगे पाऊं या आकर तक हरिस्ला भी खड़का जी में है। ये क्या बात हुई पता नहीं करेगा जी साई दादा मांग ली थी मेरे। अच्छा हाँ तब दे रही ऑपरेशन होना था वो आ रहा है। मैंने पता नहीं क्या पंगा फंसेगा आ रहा। अच्छा तब नहीं हुआ लाज लूज कुछ ना कुछ नहीं हुआ बस मैंने करने दो बिना लाज से ठीक। अच्छा 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 और नहीं पाई और तो ठीक है। पूरे ये भाई ये माला कब डाली तेरे को भी ये पूजन हुआ तेरा? नहीं नहीं पूजन नहीं हुआ अबला। हाँ ये माल पुण्या के दिन हो गई जब माल पुण्य वाले दिन। हाँ मैं लगा था ना ऊपर में चिकन इकट्ठा करना। अच्छा बाहर से आई लंबरदार दूर से सोचा भाई बहुत खड़ी रहा है और से कम मेरे को दी मरी पाए। अच्छा उसने सोचा तो क्या बांधा हुआ। अच्छा
तेरा ही पूछ लू आ रहा मेरे को क्या कर रही है भाई तेने की हाँ हूँ मैं खड़ा हुआ चीज बोला आपका यहाँ लोग जाती मतलब नहीं तो तेरा बाप है यहाँ आ रहा वो तो बेटा मैं जल्दी बोल बैठा नहीं तो लंबड़ा रहा दस लाख ले आई मुँह अच्छा खाने को भी ले आई पूजन भी हो गया हाँ मैंने कहा वैसा कर दो तार छापे मिल गया मेरी पीठ में मेरे नोरा करना अच्छा सीधे का सीधा रह गया मेरे बिल्कुल सीधा रहा बेटा मैं तो की तरह और नहीं था जी गाँव की परगने की एरिए की तेरे भाई बेटा गाँव में तो बड़ी भारी नहीं का लोग क्या बात है बोला मारे तो भेड़ अरे भेड़ सबके सोती है मेरे यार कोई नई बात है वो नई बात नहीं कोई पैंती नहीं तू जाए अगर इसको लगा के पैंती मिंटू पूरे गजबुआ में चार पांच तो ता सारे खाडू बड़े बड़े कैसे खाडू ऐसा जैसा खाडू तू है अच्छा गप मारता है ऐसे बेली बस तेरे को शींगी नहीं है बाकी तो पूरा खाडू है ना भाई तो सब चल वो तो हुआ पर आजकल तू ना मुंह धोता ना तू कपड़े धो आजकल तो बेटा घराट भी दूध से ही चला हुआ मुंह भी सफेद ही हुआ है बोली खा रखी है अभी नहाने धोने का कोई काम नहीं है ना टाइम ही नहीं लगता अच्छा श्रीड़ा खत्म होता तो बोली खा लेता है कुछ ना कुछ लगा ही जाता कुछ ना कुछ चला हुआ थपके परे जोर एक और क्या है अच्छा और नहीं था जी और तो ठीक है भाई पूरे पीठ में भी यार कुछ मैं पीछे वजन बहुत ज्यादा एक है भाई ना तेरी आंखें दा मोती है बिन दौर क्या दिखता नहीं कैसे कैसे किसी नहीं बड़ी हाँ किसी ने लिए पेट्री बोट हाँ किसी ने लिए ट्रांजिस अच्छा और मान दे चाड़ी मुंह से जाई टेलीविजन लो आ देख ये टेलीविजन है आचक पर्दा छितरार लग रहा हूँ ना टेलीविजन नहीं है तो एलसीडी है मेरा ख्याल पता नहीं कौन सी कुछ डेल आ रहे झकामक लगी है मैंने सोचा घबराई लाने चला हमारा गोबर चकड़ने जा रहा है गोबर चकड़ने जा रहा है और पता नहीं मेरी आंख की फटी की तेरी फटी तेरी तो धुने फटे कोई ना ना तो चल मान लिया टेलीविजन है आहो पर टेलीविजन तो मेरे भी है मैंने तो घर में लगाया हुआ तो पीठ में तो है ही अरे घर में लगाया हुआ मेरे यार घर में पीठ में चकड़ा खींचते टेलीविजन तेरे पास जरूर भूखे मरेंगे बेटा वो क्यों मैंने भी पहले घर में ही लगाया मैं जब घर पहुंचा था ना मामले की गिराई से अच्छा दोनों लंबरदार कैसे बैठी पहले भाई घास नहीं गई लूना तुमने घास को नहीं गई अच्छा से क्या बोलो ना बोला तू जा भी अपने बाप को ले जा हमने देख लेना मोदी का लग से अच्छा बोला अच्छा और मैंने पीठ में तका मतलब देखो रंडो अपने बारह मुंडे में अच्छा स्यापाई खोया था स्यापाई खोया अब तो बेटा पीठ में ही रहता है अच्छा 24 घंटे शादी ब्याह में पीठ में पीठ में रहता है 24 घंटे बोलिया करूं जब 25 घंटे हो जाता भी पीठ में रहता है और सबसे बड़ी बात यार जब पानी किनारे जाना तब तभी पीठ में ही होता है मैंने ऑडियो और वीडियो ऑन किए होते हैं अच्छा तू भी ले जाइए दो चार सीढ़ी ले जानी हो कैसी सीढ़ी ऐसे भी उसमें देखे योग्य किए योग्य किए हुए हर कुछ लगा बोलने को और नहीं था जी और तो ठीक है अरे नहीं तू कुछ छुपा रहा है मेरे से मेरे यार मैंने क्या छुपाना था और क्या तू मेरे से छुपा रहा है कुछ मैं और तू कट्ठे पढ़े लिखे हाँ, यार दोस्त दोनों बड़े पुराने दुष्ट है हम दोनों है, है ना हाँ, अरे कैसे दुष्ट में हाँ, दोस्त कट्ठे स्कूल को जाते थे हाँ दोनों कट्ठे घर को आते थे हाँ, और हमारे एक दिन में लेटरिन पास हुई है ना कैसी लेटरिन लगा मैट्रिक पास हुई मैट्रिक हाँ कमालगढ़ से मास्टर होता था स्कूल में पेंशन पढ़ानी साहब अरे प्रिंसिपल पलानी के प्रिंसिपल साहब हाँ उसने बोला बोलो जाओ भाई तुम मैट्रिक पास हो गए प्लस टू में बैठ जाओ बोलो अरे उन्होंने बोला मैट्रिक पास हुए भाई प्लस टू को हो गए तो भाई मेरे को तो लगी शड़न तू तो बैठा हुआ प्लस टू में कहाँ बैठा प्लस प्लस टू में ना बैठा हुआ वो दो अरे क्लास में हुए प्लस टू में दोनों दो महीने के बाद आया घर भी तो तब तेने भाई तू मेरे से बात क्यों छुपा रहा तू अरे मैंने क्या बात छुपाई थी अरे मैंने सुना तेरे बारे में तेरे घर की बात सुनी मैंने क्या अरे बोलो लंबरदार ने ब्याह करवाया भाई
नंबरदार की शादी बोलो धूम धड़ाके पटाखा पटाखा का खड़का जी तो बढ़ारी थे वहाँ तेरे घर में ना था तो भैया पर मेरा नहीं था। अरे तेरा नहीं था भाई नहीं कोई बहन नहीं आगे नहीं कोई पीछे नहीं ना। तब किसका था वो मेरी घरवाली की शादी थी। तेरी घरवाली की हाँ। तेरी नहीं थी ना मेरे यहाँ मैं तो घर में ही था उस दिन। तो घरवाली कौन ले आया पर से बापू देवा था पूरा। अच्छा बापू बापू को ले आया बापू को क्यों लिया घर में मेरे को दे दी फिर। अच्छा मतलब हो गई शादी हाँ। तो तेरी नहीं नहीं ना मेरी नहीं हुई ना तो तू क्यों नहीं गया पर ऐसा बोला बोला घर में रह बेटा बोलो भांडे भूडे मांज रखे उतने में। अच्छा हाँ तो तू तेरी बापू दे बापू ना हाँ तो बापू तो बापू बना होना लाड़ा भी है ना लाड़ा क्यों बना बापू। अच्छा वैसे ले आया परे से हाँ। अच्छा अच्छा तो तैने परे चले जाना था हाँ। वो लाड़ी के घर में मेरे को रास्ते का ही पता नहीं लगा। अच्छा तो मेरे को पूछ लेना था तेरे को क्या पूछना स्कूल के बच्चों ने ऐसे गप मार दी तेरे खिलाफ क्या बोला इन्होंने बोला बोलो लबरदार भी पंडित होता था ना आपके साथ हाँ। तेरे को बोला हाँ। बोला हो हाँ। बोलो तो परसों रात हो गया कैसे हो गया जैसा भेज तू पटाखा पा ऐसे ही बोल रहा हाँ हो गया मेरा मैं तो रोने लगा वही हाँ। मेरा बड़ा दोस्त था मैं लकड़ी डालने में नहीं जा सका टाइम किसकी लकड़ी डाल तेरे को बे अरे ना फिर मैं एक बड़े पत्थर पे चढ़ा हुआ से मैंने लेरी डाली तेरे को हर कुछ लगा ऐसे जोर से रोया इतना तो मैं अपने बाप को भी नहीं रोया तेरे को तू भी यारा हर कुछ लगा मैं तो शुक्र मान तू मेरे को मिल गया हाँ। नहीं तो मैं तो कल तेरी पड़सैनी के बाप लावे जाना था बुलावे अपने बुलावे जाना बोल क्या बोलना था मैंने बोलना बैठ जरा तेरा बाप आने वाला तू भी गलत आदमी यारा तू तो आदमी बन ही नहीं सकता हाँ मैं बन भी नहीं सकता क्यों हाँ दिमाग तेरे में है नहीं है ना रे ना बिल्कुल भी नहीं है ना। वैसे भी होता ना ग्राम के हिसाब से वो भी नहीं है चलो मैं तेरा ही कर दूंगा आपका भी टाइम लगेगा नहीं चलो हाँ। शादी होगी हाँ। अच्छा तेरी नहीं हुई शादी हो ना तो मेरी घरवाली की घरवाली की हो मेरी तो तू और करा दे भाई अरे सुन तो मैं बाप को बोलना था ना तेने ठीक है ना बाप नहीं जाता परे तेने जाना था अपने अपराध लेके परे अच्छा समझे ढंग की शादी करनी थी तो यार पता नहीं बेचारा कुछ डर गया तेरा बापू बड़ा कंजूस आदमी था रहा वो मैं जानता हूँ कौन से वाला अरे बापू तेरा ना कौन सा बापू मेरा बड़े तेरा बापू एक होता कैसे कौन सा वाला मेरे चार बापू है कौन कौन एक माड़ा बापू एक बड़ा बापू हाँ? एक गट वाला बापू एक शिमले वाला बापू कौन से बापू की बात कर रहा है अरे वो हट्टा कट्टा लंबा तगड़ा जवान हाँ रीड़कू राम हाँ रीड़कू राम पे हाँ 27 किलो निकला समेत बूट के तोला अरे मैंने तो वजन पूछा ही नहीं वजन तो मंडी वालों ने पूछा बोलो और पालो इसको कुछ वो बकरा है ना सब थोड़ा तुम जो अच्छा तो बापू को ऐसा बोलना था भाई प्रात लेके परे जाना था यार खर्च करना पड़ता है, है? अच्छा चल ब्याह तो हुआ है तेरा आहो, पर खर्च खराबा कितना हुआ बेटा खर्च तो कमी हुआ पर खराबा ज्यादा हो गया खराबा कैसे बस इसने धाम खाई ना वो बस खेत को ही निकला परे अच्छा वो क्या गड़बड़ हुई पता नहीं वो दाल में सोडा ज्यादा डल गया ना और सब्जी कब्जी खुल गई अच्छा कौन थे बनाने वाले यही थे तू यहाँ बना रहे ही खेले आए हुए अच्छा तो तू यहाँ तो बढ़िया धाम बनाई धाम यहाँ तो बढ़िया थी मेरे भी बढ़िया थी पर वो सोडा डल गया ना ज्यादा तो मैंने सोचा भाई ये रातों रात घबराई कौन दे गया खेत में अच्छा तब तो बढ़िया हुआ तेरे यार अब बेटा मैंने गोभी लगाई हाँ, पहली सब्जी तेरे को ही खिला लूंगा मैं खाऊंगा भी नहीं तब तक मैं गोभी तो खाता ही नहीं तेरा तो बाप भी खाएगा तू चल बढ़िया वो भी फायदा हुआ तेरे को हाँ। है? और कपड़ा वगैरह कहाँ से लाया बेटा कपड़ा लगता तो मैंने फर्न कटरी से ही मंगाया हला अच्छा कभी है झका मक लगी कनेडा का कपड़ा कनेडा का कनेडा अरे उससे और नहीं मिला नहीं अपने को मंगाया मैंने सन फ्राई और लंबरदार को कन फ्राई अच्छा फ्राई में ही चली बात हाँ रे यार इधर के शादी का कुर्ता है मेरे
अच्छा ये पैंट है, नीचे की पजामा है, ये पजामा है बेटा, ये भी शादी का ही है। अच्छा ऐसा पजामा ढूंढ के दे तेरे को 1.5 लाख भाभी को, ये मिलना ही नहीं मिलना कहीं ना, ये सुपीरियर कपड़ा है। तेरे जुराबे भी थे ना तो बढ़िया डाल ली, पता नहीं छड़ा तेरी जुराब से आ रही है, जुराबे प्रेस की मैंने प्रेस तभी आ रही है बदबू छड़े ना। हाँ तो 1 साल के बाद अभी भी नहीं धोई क्यों? आजकल तो मेरा बड़ा बिजनेस चला हुआ है। क्या ऐसा ना स्नोडन में एनेस्थीजिया हो गया खत्म। अच्छा तो बस इस पेशेंट का ना ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर बोलते हैं बोलो जाओ भी नंबरदार की जुराबे ले आओ, बस 2 मिनट रखते है नाक पे, फिर क्या पता हटे बोले कि नहीं हटे। अच्छा हाँ कोमे में ही चला जाता है। बढ़िया बिजनेस है, बोल रहा हूँ मैं भी सोचू बोला ना, जब से तू आया तब से बदबू आ रही है। तेरे प्रश्न को भी मैंने यही दे जब तेरा प्रश्न ना मेरा नहीं होना प्रश्न तो मैं हूँ ठीक। अच्छा और नहीं था जी और तो ठीक है बेटा, ना खर्च बोल रहा हूँ मैं, कितना खर्चा हुआ? तो खर्च तो कोई 750 ग्राम चावल लगे। अच्छा 2 बोरी नमक की, ओहो भाई पिपड़ी नहीं लगी ना तुम्हारी तरफ खाते, बड़ी भारी पिपड़ी हो हमारी तरफ तो बहुत लगती है पिपड़ी, आयु कभी ना 80 बोरी पिपड़ी तो खाए। हाँ हमारी तरफ ज्यादा लगती है बगले ने तुझे। हाँ अच्छा खराब ऐसे हुआ, खर्च ऐसे हुआ, क्या कहता भाई सलूने क्या थे बड़ा? भाई सलूने तो बड़े गजब के बनाए सब्जियां, जैसे यहाँ के ना बनाए उससे भी टॉप के थे। दाल का ही थी, दाल मूंगी मल का है, मूंगी मल का मूंगी यार, कैसी मूंगी, मूंगी बोलते उसको मूंगी मल का बोला उन्होंने। हाँ मूंगी मूंगी। अच्छा दाल थी मूंगी मल का। हाँ और सब्जी भाई? सब्जी थे कचिंडे, कचिंडे टींडे होने यार, कचिंडे नहीं बोलते टींडे बोलते उसको, टींडे। हाँ इन्होंने बोला बोलो कचिंडे बनाए, नहीं नहीं मैंने सोचा नई फसल आई होगी कोई मर नहीं, टींडे टींडे यार। हाँ और वो बनाए थे क्या गुप्ते, नहीं थे गुप्ते, गुप्ते की गुप्ते। अच्छा अच्छा कोफ्ते, कोफ्ते। हाँ तो आप बोले थे बोलो गुप्ते बनाए, अरे कोफ्ते मेरे यार कोफ्ते तेरे सुनने में रह गई यू दिक्कत है, पता नहीं मैंने सोचा, मैंने कहा कालका का कोफ्ता तो नहीं बना दिया मेरा दोस्त है। हाँ और मीठा भी भाई बेटा मीठा तो जिसने खाया ना मैं उन्हें ही आया, उंगलियां तो नीचे ही ले गए। अच्छा हाँ स्पेशल आइटम थी, बड़ी तगड़ी आइटम। हाँ हाँ क्या थी वो, क्या बोलते उसको जलाब गुलाम नहीं होते, जलाब गुलाम जलाब नहीं गुलाब जामुन, गुलाब जामुन गुलाब जामुन। हाँ पता नहीं इन्होंने बोला बोलो जलाब गुलाम बनाया गुलाब जामुन। हाँ भाई बढ़िया थी धाम बनाई, बड़ी तगड़ी है, और वो था बनाया क्या दीवाने जिमी कंद यार, कैसे दीवाने जिमी कंद। हाँ भंडारी कौन था? भंडारी कौन था? भंडारी भी एक ही था पंडित भी हुई थे। कौन थे? मेरे कुल पुरोहित है। कौन? वो बड़े विषय वाले रमेश शर्मा। अच्छा वो तो बढ़िया शादी पढ़ते हैं, कमाल का बड़ा नाम है उनका तो हमारा, भगवान की कथा तो टेलीफोन पे करा देते हो घर ही नहीं आते। अच्छा हाँ यही तो नहीं कहीं सुन तो नहीं रहे, परे को पता नहीं सुनने देता भी पता लगेगा तेरा ब्याह भी उन्होंने पढ़ा रहा भाई, जो जो ब्याह पढ़ाए ना उस रेणु प्रेणु को बात कोई आए वापस क्यों आगे कोई निकले बस मतलब बस ही नहीं कर। तेरी शादी पड़ी या नहीं पड़ी? मेरी शादी में पगा पाया क्या, बस 3 फेरे मेरे साथ लगे, चौथे को खुद खड़े हो गए। अच्छा बोलो 4 लगने पंडित के साथ। अच्छा बोला तो अपने ही साथ ले जाना भाई इसको। अच्छा विशा को ले जाना भाई, अरे टकरे तेरे को भंडारी बुआ से टकरे, अरे भंडार सारा भी उन्होंने किया, भंडारी भी हुई थे बस उन्हीं उधर रुकी हुआ सब पे हुआ हुआ। अच्छा तो पहले नहीं रखा ना, बस तू कह बता से मार्स किया। हाँ बढ़िया टक रहे तेरे को आदमी आ रहा। हाँ पूछो ही ना है। अच्छा नंबरदार ने ब्याह तेने आहो शादी भी ना तेरी। हाँ तो नंबरदार की कितनी की उम्र है भाई? बिल्कुल बाल के बेटा बालक, बालक एक ही दांत जमा हुआ है। अच्छा तबे बालक बिल्कुल सब जम जाने हो, उठकी उठकी हांड हो उठकी आ तो आके बर्फ पड़ने दे तू सीधी हो जानी। अच्छा हाँ
दांत सब जमने से मेरे यार। वो कैसे? वो पानी देते रहे ना स्प्रे से मेरे फुहारे दांतों में। दांतों में? हाँ। दांतों को चूल से ना रखी थी पानी दे। यार कब को जमने? कितनी कितनी उम्र है? उम्र बेटा बिल्कुल कम है, अभी 90 को 3 साल है कम है। हाँ तब है बालक। हाँ है बिल्कुल बालक है। बालक है अच्छा चल बढ़िया हुआ ना। मैं पर एक दिन तेरे घर में हल्ला था पड़ा हुआ। हल्ला पढ़ना चाहिए तेरे घर में, मेरे घर है कोई पढ़ना। पता नहीं इन्होंने बच्चों ने बोला बोलो पंडित जी वहां जाया हो भाई नंबरदार के घर में तो रोड़ा पड़ा हुआ। बोलो रोड़ा पड़ा? मैंने सोचा मतलब झगड़ा हो गया उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बड़े गाने वाली है, पूछ जा तू नंबरदार। गाने वाली कलाकार है? मतलब कलाकार एकदम। मेरे को बोला 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 पर दादी को गीत सुना दो। अच्छा बोला भाई मैं पुरानी नाटी को गाता था तो रेडियो थनेसर वाले भी ले जाते थे मेरे को। अच्छा रेडियो सिस्टम वाले। तो मैंने कहा तू सुना दे कोई गीत। अच्छा बेटा बता उसने गीत तो सुनाया ना। हाँ, क्या गाया? मेरा तो गला ही बंद हो गया। अच्छा मैं तो गा ही नहीं सका कुछ। क्या गाया ना उसने? क्या गाया? भैया मेरे राखी के बंधन बड़ी मुश्किल से शादी हुई। अच्छा अभी भाई हमारे बोले था। अच्छा उसने तेरे को भाई बोला? तो तने का जवाब दिया अभी भाई जलाब एक तो मेरे तेजी टाइम में बोला। अरे जलाब की बात नहीं मतलब उत्तर क्या दिया था? उत्तर क्या दिया मेरे को तो कसी बढ़िया तो भूदा ठोकुआ। अच्छा हाँ तो मेरे को नहीं पूछ सकता था? तेरे को क्या पूछना चाहता था? तैने ऐसे गाना था ना मैं बताऊँ तेरे को? हाँ हो सवाल का जवाब। हो तू कितनी अच्छी हो तू कितनी भोली प्यारी प्यारी ओ माँ तेरी समझ में नहीं आ रही बात। तेरी समझ क्या तू बोले बोलो आमा। अरे ये सवाल का जवाब था। अरे तो वो तो गीत के बोल थे। तो ये भी गीत के बोल है। अच्छा जब तेरे को भाई बोला तो तैने उसको आमा बोल देना था। ऐसा तो कई बार मेरे को गलत फैमिली हो जाए। हाँ तो तब दिमाग लगाया कर थोड़ा थोड़ा है। अच्छा तो वो था मतलब कलाकारी चली हुई थी झगड़ा नहीं था वो। ना ना है झगड़ा क्यों हमारा? हमारी तो लव मैरिज हुई है। लव मैरिज? हाँ 90 साल की उम्र में लव हुआ। उसका टाइम नहीं होता कुछ का, कभी भी हो सकता। अच्छा कभी भी हो सकता है। वाह रे वाह। अच्छा अरे बात सुन। हाँ मैं तू तो रह गए हो कब शप में। अच्छा वक्त सकते में रह गए। हाँ। जिस बात के लिए तेरे को बुलाया था वो तो बात रह गई। रह गई? हाँ ले आ कुछ खाने को भूख मिल जाए। अरे खाने की बात नहीं यार। हाँ। यहाँ तो गजब हो गया। क्या? अरे खून हुआ खून। तो मैं तो ले आया नहीं। क्या? ऊन? ऊन नहीं यार। हाँ। आदमी उद्यमी जानता है? और मेरा दोस्त है वो। कौन आया हुआ? कौन आया हुआ? उद्यमी उद्यमी राम। अरे मच्छ जानता मच्छ कसला का? क्या लगा? माच। माच की बात नहीं यार। हाँ। यहाँ आदमी काटा है यहाँ काटा 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 माने मेरे चार दड़े हो गए घंसेटी पांदे रखा। कैसे टी? मैंने भी भागा हुआ। क्या भागा हुआ? काटा जो टुकु बार बोल रहा। अरे काटे की बात नहीं यार। हाँ। यहाँ ऐसा हुआ ना आहो नाचने गाने वाले आए नटुए नाचने गाने आ तेरे की दो थे नटुए आहो एक थी नटन बालक थी। अरे पूरी बात सुन ले यार आहो तो वो आपस में लड़ गए।
एक बोल रहा है मेरी है नटन, दूसरा बोल रहा है मेरी है। जाने बोला वो लंबरदार को दे जाओ तीनों डाले, पूरी बात सुनेगा कि नहीं। हाँ। उनका हो गया आपस में झगड़ा, दोनों भाइयों का पंगा हो गया, पंगा हो गया। अच्छा। और उनकी लड़ाई हो गई और एक नटू ने एक को परे मारा, खत्म ही किया। अरे मर गया बे, डिक्लेयर हो गया, डेड हो गया डिक्लेयर। अच्छा। हाँ। अच्छा बेटा, अब हल्का मेरे यार, हल्का बोलते है परगने को। अच्छा। हाँ तो तू है परगने का लंबरदार, अब तू बता भी क्या करना, क्या बोले इनको, बोली बोली जैसे तो नीचे खंड में फेंक आते। कैसी बोल पूरी में और। अरे बात सुन मेरे यार, लंबरदार है तू, आहो कानून हाथ में नहीं लेना कभी, हाथ में कानून खा जाएगा पीठ में ले जाएंगे। पीठ की बात नहीं है, कानूनी बात कर कोई, तो क्या कर रहा है, तो तू भी अंदर होना, तू ऐसे गलत मैसेज दे रहा लोगों को, तो तू बोल क्या कर रहा, क्या कर रहा। और रफ्ट देनी पड़ती, पर वो तेरे ग्लोल बना रबड़ नहीं यार, इतला देनी पड़नी, पर इतला खत्म हो गई, वो तो कड़ी बना दी, कुछ नहीं अब। छा की बात नहीं यार, खाने वाले जानते हैं, खाने वाले कितने तड़े। अरे पुलिस वाले, पालिश वाले मैंने कहा डालना, मैं तुम नंगे ही पाँव आया हो पालिश के लिए, तो ऐसा है ना, रिपोर्ट देनी पड़नी, रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट। हाँ जानता ना तू, लिख बेटा, तो तेरे लिखनी हो मैंने लिखनी नहीं। ना ना तू लिख दे, ना तू तो मेरा मुंशी है। ना ना ये तभी मुंशी देख, यहाँ भी मुंशी बैठा, इसके तो पेपर है कल पढ़ रहे हैं। ले ले पकड़ पकड़। ना ना तो तेरे को पता ही, मैं तो अंग्रेजी में लिखूंगा, अंग्रेजी नहीं तेरा काम है, मेरा काम थोड़ी नहीं है, समझ नहीं आएगा। लंबरदार तू है यहाँ का, मैं थोड़ी नहीं हूँ, मैंने तो तू लंबरदार का असिस्टेंट है। अच्छा लिख दे, क्या लिखना, लिख अर्द फलाना बर्द, कैसे बर्द, बाप को बर्द बोलते उर्दू। अरे बर्द नहीं बोलते यार, वल्द वल्द वल्द। लिख अर्द फलाना वल्द, अर्द फलाना वल्द, डाकखाना जलंधर, डाकखाना जलंधर, और जिला घर के अंदर। ये क्या है, ये मेरा एड्रेस। अरे ये नहीं एड्रेस मेरा, ढंग का एड्रेस लिखा, यही एड्रेस है मेरा, ये कहाँ एड्रेस। अरे देखो खटका जी को पूछ लो, इन्होंने इसी एड्रेस पे मेरे को साइन दी थी। ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर कैसा, बिल्कुल मिलेगा, ये नहीं मिलना भाई। हाँ। तू ऐसा करना, आहो मोबाइल नंबर था अपने, तब जाके तेरी चिट्ठी पहुँचनी। क्या ना मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। हाँ मेरे पास दो तीन कंपनी के, कौन कौन से, एक तो नोकिया का, नोकिया नोकिया, अच्छा नोकिया। हाँ। अच्छा चल नोकिया का लिखा, और दूसरा है श्याम सिंह। अरे श्याम सिंह नहीं यार, सैमसंग, पता नहीं ना बोला, बोलो श्याम सिंह का मिला दे दो, सैमसंग सैमसंग। और तीसरा है ठोडे, ठोडा की बोडा, ठोडा बोडा 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 फोन। हाँ। दिखा नंबर, लिख बेटा ढंग का लिखाइयो ना। हाँ हाँ, थाने 160, थाने 160, चक दादर बाप हाथ। ये क्या है, ये मेरे नंबर है। अरे रॉन्ग नंबर है, ढंग का लिखा नंबर दो, दूसरा लिख। हाँ दूसरा 94180, 94180 नंबर ते ता तो माँ का फंसी। ये भी नंबर है, ये भी नंबर। अरे ये भी रॉन्ग नंबर है, तीसरा लिख फिर, तीसरा लिखा। हाँ 98172, 98172 नीचे कोट खाई ऊपर खड़ा पत्थर। अरे कैसा पागल आदमी है, कैसे नंबर है मेरे, ढंग की बात कर, कैसे नंबर है। 98137, 98137 चार गुण और तीन गैंती। अच्छा ऐसे नंबर चलते थे, ऐसे नंबर है, नंबरदार के नंबर ऐसे ही होते। अच्छा हाँ, ये तो एक नंबर भी नहीं है, तो सब मिलने धर्मराज के पास जाके। अच्छा नहीं मिल जाएगा, तू ऐसा कर, पिन कोड नंबर लिखा मेरे को, पिन कोड लिख, तब तेरी चिट्ठी पहुंच रही, लिख पिन कोड। हाँ पिन कोड लिखा। हाँ 33 अच्छा 33। हाँ हाँ, स्लीपर 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 04 04 04 अच्छा 00 नहीं है,
सुनना देखी स्लिपड़ स्लिपड़ जीरो चार ये भी गलत है बिल्कुल ठीक है ना। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।